फेटा चीज पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता, फेटा चीज यानी कि व्हाइट चीज, चेरी टोमेटोज, ऑलिव ऑयल, ओरिगैनो, सॉल्ट और इटालियन हर्ब्स। ये सबसे पहले मैं पास्ता बॉईल करने लगी हूँ। मैंने पास्ता को पानी के अंदर डाल के ऑलिव ऑयल डाल दूंगी और साथ में सॉल्ट डाल दूंगी, और पैकेट के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसके हिसाब से मैं अपना पास्ता बॉईल कर लूंगी फॉर 10 to 12 मिनट्स। अब मैं एक बोल के अंदर चेरी टोमेटोज डाल दूंगी और साथ में फेटा चीज डाल दूंगी। फेटा चीज़ का जो टेस्ट है वो भी थोड़ा सा नमकीन होता है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक होता है, तो मैं यहाँ पे सॉल्ट जो है 1.5 टीस्पून डालूंगी। ये मैंने वाइट चीज रख दी है। आपके पास घर में अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई और भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं घर में वो वाला आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको ओवन के अंदर रख दूंगी 180 डिग्रीज पे फॉर 20 मिनट्स, ताकि मेरे टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, साथ में चीज़ भी। आफ्टर 20 मिनट्स आप देख सकते हैं मेरे टमाटर और चीज़ किस तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको फॉक की हेल्प से अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर पास्ता का बॉइलिंग वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं अब इसके ऊपर बॉयल पास्ता डाल के उसके ऊपर ओरिगैनो और फ्रेश बेजल्स की गार्निशिंग करूंगी। इट्स रेडी टू ईट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैच यू इन नेक्स्ट वन। अंटिल टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।